हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 22 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे दो क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा, और आप इस वीडियो की PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, APEC 2021 के लिए CEO शिखर सम्मेलन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, बारबरा चैपमैन को। तो बारबरा चैपमैन को APEC 2021 के लिए CEO शिखर सम्मेलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और यहाँ पर बात हुई है APEC की, तो APEC की फुल फॉर्म होती है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। APEC का मुख्यालय है सिंगापुर में, और APEC के वर्तमान में चेयरमैन है सेबेस्टियन पिनेरा। अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ष विश्व संगीत दिवस यानी कि वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है 21 जून को, और इस बार के विश्व संगीत दिवस की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है म्यूजिक एट द इंटरसेक्शंस। इस बार के विश्व संगीत दिवस की थीम है, तो विश्व संगीत दिवस ये हर साल 21 जून को मनाया जाता है। और 21 जून को एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है जिसकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे। अगला प्रश्न, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने देश भर में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण की विभिन्न पीठों में कितने नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है? तो इसका आंसर ऑप्शन है 30। तो अभी हाल ही में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने देश भर में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण की विभिन्न पीठों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये मनाया जाता है हर साल 21 जून को, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसको मनाने की शुरुआत हुई थी 21 जून 2015 को। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये हर साल 21 जून को मनाया जाता है, और इस बार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन आ गया है। तो अभी तक जून में जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं हम उनको एक बार देख लेते हैं। तो 1 जून को मनाया गया था विश्व दुग्ध दिवस, और इसकी थीम थी ड्रिंक मिल्क टुडे एंड एवरी डे। 2 जून को मनाया गया था तेलंगाना राज्य गठन दिवस। 5 जून को मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस, और इसकी थीम थी एयर पॉल्यूशन। 7 जून को मनाया गया था विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, और इसकी थीम थी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। 8 जून को मनाया गया था विश्व महासागर दिवस, और इसकी थीम थी जेंडर एंड ओशियंस। और 12 जून को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस, और इसकी थीम थी चिल्ड्रन शुड नॉट वर्क इन फील्ड्स बट ऑन ड्रीम्स। 14 जून को मनाया गया था विश्व रक्तदान दिवस, और इसकी थीम थी ब्लड डोनेशन एंड यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एज ए कंपोनेंट ऑफ अचीविंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। 15 जून को मनाया गया था विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, और 17 जून को मनाया गया था विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस, और इसकी थीम थी लेट्स ग्रो द फ्यूचर टुगेदर। और 20 जून को मनाया गया था विश्व शरणार्थी दिवस, और इसकी थीम थी स्टेप विथ रेफ्यूजीज टेक ए स्टेप ऑन वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। और 21 जून को मनाया गया है विश्व संगीत दिवस, और इसकी थीम है म्यूजिक एट द इंटरसेक्शंस। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस बार की थीम क्या है? योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन। अगला प्रश्न, भारतमाला परियोजना के तहत 2022 तक लगभग कितने किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन है 35,000 किलोमीटर के। तो भारतमाला परियोजना के तहत 2022 तक लगभग 35,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा। और इसके अलावा एक सागरमाला परियोजना भी है। सागरमाला परियोजना के तहत तटीय इलाकों और आसपास के इलाकों में अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कों का एक नेटवर्क बनाया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने इंडिया वर्ल्ड फाइनेंस और लक्ष्मी विलास बैंक के विलय को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में इंडिया वर्ल्ड फाइनेंस और लक्ष्मी विलास बैंक के विलय को मंजूरी दी है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। और यहां पर बात हुई है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की,
यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना हुई थी 14 अक्टूबर 2003 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और इसके वर्तमान में चेयरमैन है अशोक कुमार गुप्ता। और अगर बात करें इंडिया वर्ल्ड्स फाइनेंस की, तो इंडिया वर्ल्ड्स फाइनेंस इसकी स्थापना हुई थी 2000 में, और इसका मुख्यालय है गुड़गांव हरियाणा में, और इसके वर्तमान में चेयरमैन है समीर गहलोत। और बात करते हैं लक्ष्मी विलास बैंक की, तो लक्ष्मी विलास बैंक इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। लक्ष्मी विलास बैंक का मुख्यालय चेन्नई में, और इसके वर्तमान में MD और CEO हैं पार्थ सारथी मुखर्जी। लक्ष्मी विलास बैंक के MD और CEO हैं। अगला प्रश्न, विश्व तीरंदाजी ने भारतीय तीरंदाजी संघ, यहाँ पर तीरंदाजी के बाद संघ भी होगा, भारतीय तीरंदाजी संघ यानी कि आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो विश्व तीरंदाजी ने भारतीय तीरंदाजी संघ में जारी गड़बड़ी को सुलझाने के लिए किसे नियुक्त किया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अभिनव बिंद्रा को, यह है भारतीय राइफल शूटर अभिनव बिंद्रा। तो विश्व तीरंदाजी ने भारतीय तीरंदाजी संघ में जारी गड़बड़ी को सुलझाने के लिए अभिनव बिंद्रा को नियुक्त किया है। अभिनव बिंद्रा ये भारतीय राइफल शूटर हैं, और इन्होंने ओलंपिक खेलों में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था 2008 में, बीजिंग ओलंपिक खेलों की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे। और यहाँ पर बात हुई है भारतीय तीरंदाजी संघ की, तो भारतीय तीरंदाजी संघ इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और इसके वर्तमान में चेयरमैन है मिस्टर अर्जुन मुंडा। अगला प्रश्न, 58वें ओस्टावा गोल्डन स्पाइक एथलेटिक्स मीट में अन्नु रानी ने कौन सा पदक जीता, तो इसका आंसर ऑप्शन सी कांस्य पदक। तो अन्नु रानी ने महिलाओं के जैवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीता है। अन्नु रानी ये उत्तर प्रदेश की जैवलिन थ्रोअर हैं, जैवलिन थ्रोअर यानी कि भाला फेंक एथलीट हैं। तो 58वें ओस्टावा गोल्डन स्पाइक एथलेटिक्स मीट में अन्नु रानी ने महिलाओं के जैवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीता है। और कल के प्रश्न, कल मैंने आपसे दो प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न था, किस राज्य की सरकार स्नातक या समकक्ष डिग्री रखने वाले बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देगी, तो इसका सही आंसर था राजस्थान। और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था, संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत किस वर्ष तक चीन को पछाड़कर विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा, तो इसका सही आंसर था 2027 तक। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपके लिए पहला प्रश्न है, भारत ने अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन के आयोजन में मदद के लिए किस देश को $15 मिलियन की मदद की है। और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है, और आपको इसकी थीम भी बतानी है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस हर रोज़ सुबह 4 बजे अपलोड करता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।